नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द और सूजन है तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक आराम रहे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आप ये जान ही चुके होंगे कि हमारे शरीर में जब भी हमारे जोड़ों में दर्द और सूजन होता है तो उसका जो मुख्य कारण है वो हमारे शरीर में वात दोष का बढ़ना। और जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है तो ये हमारे जोड़ों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो अब हमें वात दोष को कम करने के लिए, अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? इसमें सबसे पहला उपाय है हमारी जीवन शैली में बदलाव। हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। अब मैं लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ तो ये आपको अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी अपनी लाइफ में आपको ये चेंजेस लाने होंगे, सिर्फ दो चार दिन या दो चार महीने तक नहीं। अगर आप लंबे समय तक आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करते हैं तो इससे आपके घुटने, आपकी पीठ, आपके शरीर के जो भी जोड़ हैं वो स्वस्थ रहेंगे। तो इन लाइफस्टाइल चेंजेस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपने वेट को कंट्रोल करना शुरू कर दें। दूसरा, अगर आप अपने पोस्चर को ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, अगर आप लिखने के टाइम, सोने के टाइम, खाना खाने के टाइम या फिर आप जब बैठकर टीवी देखते हैं, कोई भी एक्टिविटी के टाइम अगर आप अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। तो इसलिए आप अपने पोस्चर को मेंटेन करें। तीसरा है, आप भरपूर नींद और आराम लें। अगर आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, अपने शरीर से आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, आप आराम नहीं देते हैं, तो इससे भी आपके जोड़ों पर असर होता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम रात को लेट सोते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो हार्मोनल साइकिल है या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है और इसीलिए हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं और सुबह सूर्य उदय से कम 1-2 घंटा पहले उठ जाएं। इसके अलावा आप तनाव लेने से बचें। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचता है। अगर आप नहीं जानते कि स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। जैसे कि मैंने बताया कि जीवन शैली में बदलाव लाना ज़रूरी है, उसी तरीके से अपने खान पान में बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के जोड़ स्वस्थ रहें, आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आप विरुद्ध आहार ना लें। जो भी फूड आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, जो आपका खाना आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, आप ऐसा खाना ना लें। अगर आप नहीं जानते हैं कि विरुद्ध आहार कौन से होते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके अलावा आप अपने खाने में रूखा सूखा खाना ना लें। आप अगर ड्राई फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी कि आप ज़्यादा स्पाइसी या फिर ज़्यादा फ्राइड फूड अगर आप खाते हैं तो आप ऐसा खाना खाने से बचें, क्योंकि ऐसा खाना खाने से वात दोष बढ़ता है और जब वात दोष बढ़ेगा तो आपके जोड़ों को नुकसान पहुँचेगा। इसके अलावा आप अपने खाने में घी का इस्तेमाल करें। आप गाय के घी या फिर भैंस के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है तो यह हमारे बॉडी में ड्राइनेस लेके आता है, रुक्षता लेके आता है। जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है तो ये जो हमारे जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से हम अपने पैरों को, हाथों को मोड़ पाते हैं, अपने जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं, मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस होता है, पेन होता है। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको फ्राइड फोमेस का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपनी रोटी के ऊपर घी रखकर खा सकते हैं, सब्जी के अंदर घी डाल के खा सकते हैं। ऐसा खाना जब आप खाते हैं तो इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। तीसरा उपाय, आप रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम करें, लूजनिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आप नहीं जानते कि सूक्ष्म व्यायाम कौन से होते हैं, किस उम्र के लोगों को करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चौथा उपाय है, आप अपने शरीर पर तेल मालिश करें। अगर आप रोज़ाना तेल मालिश करते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, सूक्ष्म व्यायाम से पहले अगर आप ऐसे ही तेल मालिश करते हैं तो इससे आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होता है, आपके जॉइंट्स का जो पेन है वो कम होता है। अगर आप तिल के तेल से तेल मालिश करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा, क्योंकि इससे वात दोष भी कम होता है। पाँचवा उपाय, गर्म सिकाई करें। अगर आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और तेल मालिश करने से अगर वो बढ़ता है तो ऐसे में आप तेल मालिश ना करके गर्म सिकाई कर सकते हैं। आप गर्म तवे पे कोई भी सूती कपड़ा हल्का सा गर्म करके उसकी सिकाई कर सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन आप कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी की बोतल में आप गर्म पानी डालते हैं और उससे सिकाई करना चाहें तो उससे भी सिकाई कर सकते हैं। तो गर्म सिकाई करने से आपके जोड़ों का जो दर्द है और जो सूजन है वो कुछ हद तक कम होती है।
अब बात करते हैं छठे और आखिरी उपाय की। आप इस उपाय को अपनी जीवन शैली में भी अपना सकते हैं। आप रोजाना योग करें, आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें, आप ध्यान करें। अगर आप ये तीनों ही चीज रोजाना करते हैं तो इससे आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।